मेरठ में 5 लाख रुपए का लालच देकर युवक के घर में आकर दो युवकों ने ईसाई धर्म अपनाने को कहा। युवक ने इसकी जानकारी हिंदू संगठन बजरंग दल के लोगों को दी। वहीं मौके पर हिंदू संगठन ने पहुंचकर दोनों युवकों को पकड़ लिया। मेरठ में एक महिला कांस्टेबल का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल आरोपी महिला कांस्टेबल मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी में तैनात है, जहां एक महिला अपनी शिकायत लेकर गई थी, लेकिन महिला कांस्टेबल ने उसे सुविधा शुल्क मांग लिया। वहीं ये सारी घटना पास में बैठे एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। आगरा के राहुल नगर में छात्रा के साथ कुछ दबंगों ने छेड़छाड़ की, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने छात्रा की आंख पर चाकू से हमला कर दिया। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने कई घंटों तक मामले को दर्ज नहीं किया। फिलहाल एसपी ने पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच के निर्देश दिए हैं। मैं अपने कॉलेज जाती थी तो रास्ते में परेशान करता था, और मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा ने उनसे बोला तो मम्मी पापा के साथ लड़ाई कर मैंने अपने भाई को बताया, भाई को मारा लोग। गोरखपुर में 5वीं कक्षा के एक छात्र ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। छात्र परीक्षा देने के लिए स्कूल गया था, तभी उसकी टीचर ने किसी बात को लेकर क्लास के बाहर खड़ा कर दिया, जिससे आहत छात्र ने घर आकर खुदकुशी कर ली। वहीं छात्र के पिता ने स्कूल टीचर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। फिलहाल एसपी सिटी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आज जब बच्चे की मृत्यु हो गई तो उनके परिजनों ने उसकी नोटबुक और डायरी की तलाश की, तो उसकी नोटबुक में एक सुसाइड का नोट मिला, और फिर परिजनों की तारीफ पे स्कूल की जो उसकी टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, और विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिए गए। इलाहाबाद पुलिस ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के गुर्गे और 12,000 के इनामी बदमाश जुल्फिकार अली उर्फ तोता को गिरफ्तार किया है। धूमनगंज की पुलिस ने कसारी मसरी में दबिश देकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं जुल्फिकार अली की गिरफ्तारी के बाद उनके परिजनों ने थाने के बाहर डेरा डाल लिया है। वहीं पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी खुलासा नहीं कर रही। मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके की एक बैंक में चोर सुरंग खोदकर अंदर घुस गए। कामयाबी न मिलने पर चोर जाते जाते अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर और बैंक की हार्ड डिस्क साथ ले गए। वहीं पुलिस का कहना है कि किसी बैंक कर्मी की मिलीभगत के बिना ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये एक चिंता का विषय है और सीरियस मैटर है कि इसमें एक्चुअली जो नाला बहता है, नाले के अंदर से इन्होंने कुमर लगाया है। हाँ, 1.5 मीटर का कुमर। अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो आदमी इसमें इन्वॉल्व रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको जानकारी है कुमर एक दिन में एक रात में तो इस तरह से नहीं हो सकता। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।